प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 17 अप्रैल 2021 की बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 1-7 तक से लिए गए हैं। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुना। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कर लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिप्पुस, प्रोखोरुस, निकानोर, तीमोन, परमेनस और यहूदी धर्म में नव दीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 16-21 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, शिष्यों ने यीशु को समुद्र पर चलता हुआ देखा। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर चढ़कर कफरनाहुम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और यीशु अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठने लगी क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि यीशु समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना ही चाहते थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहाँ वे जा रहे थे लग गई। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में प्रेरितों द्वारा 7 धर्म सेवकों को नियुक्त करते हुए देखते हैं। जी हाँ, विश्वासियों की बढ़ती संख्या के कारण ऐसी स्थिति आती है कि समुदाय के अंदर ही आर्थिक संचालन में त्रुटियां पाई जाती हैं। पेंतेकोस्त के संदर्भ में लूकस ने विभिन्न प्रवास क्षेत्रों से लोगों के आकर यरूशलेम में बसने की चर्चा की है। प्रवासी यहूदियों की भाषा और संस्कृति यूनानी थी। इस तरह समुदाय के बहुत से विश्वासी यूनानी भाषी यहूदी हैं। आर्थिक संचालन का भार अब तक प्रेरितों के हाथों में है, जो सब के सब इब्रानी भाषी हैं। यूनानी भाषी शिकायत करते हैं कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। प्रेरित इस अंदरूनी समस्या का समाधान भी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर करते हैं। वे यूनानी भाषियों के बीच में विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुन लेते हैं। प्रेरित प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखकर उन्हें निर्दिष्ट कार्य के लिए अधिकृत करते हैं।
इस नई व्यवस्था के विवरण के बाद यरूशलेम में प्रेरितों के साक्ष्य देने के कार्य का समापन एक महत्वपूर्ण संक्षेपण वाक्य के द्वारा किया जाता है। ईश्वर का वचन फैलता जाता है। यरूशलेम में विश्वासियों का समुदाय बहुत अधिक बढ़ता जाता है, इतना तक कि अब तक विरोध करते रहने वाले बहुत से याजक भी विश्वासी बन जाते हैं। प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपनी कलीसिया को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए अपने शिष्यों को कोई नया तौर तरीका नहीं बतलाया, किंतु पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजा ताकि वह हमें निरंतर प्रेरित करता रहे। जी हाँ, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि ख्रिस्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है और वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक उलझनों की संख्या बढ़ती जा रही है और वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक उलझनों में फंस जाते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरितों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 धर्म सेवकों की नियुक्ति की ताकि वे आर्थिक तथा सामाजिक चीज़ों की देखरेख कर सकें और बाकी पूर्ण रूप से प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहें। यह नियुक्ति कार्य यह दिखाता है कि कलीसिया के शुरू से ही जब कभी भी आर्थिक तथा धार्मिक मूल्यों के बीच उलझन आया तब कलीसिया ने धार्मिक मूल्यों को उच्चतम स्थान दिया है, क्योंकि कलीसिया को अच्छी तरह मालूम है कि संसार की चीजें हमें कभी अनंत जीवन तथा अनंत शांति नहीं दे सकती। हमारा मन और दिल किन मूल्यों की ओर अधिक आकर्षित होता है, सांसारिक या धार्मिक, इन दोनों मूल्यों को ध्यान देने की जरूरत है। और आज के सुसमाचार पाठ में हम देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में यीशु के चेलों में आत्मविश्वास एवं यीशु पर विश्वास की कमी है। कई दिनों व वर्षों तक उनके साथ रहने के बाद भी शक, संदेह, डर, भय दूर नहीं हुआ है। जी हाँ, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब शिष्यों ने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत ही ज़्यादा डर गए। वे यीशु को प्रेत समझ रहे थे, वे डर के मारे कांपने लगे थे और वास्तव में यह डरने एवं कांपने का ही दृश्य था। जी हाँ प्यारे मसीह विश्वासियों, शिष्यों ने बचपन से ही अपदूतग्रस्त लोगों को देखा था और भूत प्रेतों के विषय में कई बार सुन चुके थे, अतः उनके मन का अंधविश्वास अभी तक खत्म नहीं हुआ था। यही कारण है कि वे समुद्र पर चलते यीशु को पहचान नहीं पाते हैं और डरने लगते हैं, लेकिन यीशु उनसे कहते हैं कि डरो नहीं, मैं ही हूँ। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी शक, संदेह, डर, भय के अनेक कारण हो सकते हैं। अपने पुरखों, माता पिताओं से हमने डरावनी कहानियाँ सुनी हैं। कभी कभी जंगली जानवरों, सांप, बिच्छुओं, चुड़ैल, भूत प्रेत, गुंडागर्दी, चोर डाकुओं आदि का डर भरकर हमारे मन दिल को आतंकित किया गया है। वही डर भय आज तक हमारे साथ है। हम अकेले कहीं जाने के लिए डरते हैं, लोगों के सामने खड़ा होकर बोलने का साहस नहीं होता है, पसीना छूटता है, हम थर थर कांपने लगते हैं। अतः आज प्रभु यीशु हम प्रत्येक से कहते हैं, डरो नहीं, मैं ही हूँ। वे हमारा साथ देने, मदद करने के लिए हमारे पास आते हैं। जी हाँ, जिस यीशु ने अपने शिष्यों को, संत स्तेफनुस तथा अन्य 6 पुरुषों को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया था, उनको साहस, शक्ति और बुद्धि दी थी, वही प्रभु हमारी सहायता करने को तैयार हैं। हम उनसे उन कृपादानों को मांगें, वे अवश्य प्रदान करेंगे। प्यारे मसीह विश्वासियों, यीशु को समुद्र पर चलते देख कर डर जाते हैं तो प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि मैं ही हूँ। इसके 2 अर्थ हैं, पहला मैं ही हूँ और कोई भूत नहीं, इसलिए मत डरो। ईसा उस अशांत सागर में चलकर उन्हें बचाने के लिए, यानी एक सच्चे चरवाही की तरह जो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है और उन्हें सर्वनाश से बचाता है,
अपने शिष्यों की ओर कदम बढ़ाता है। दूसरा, मैं सत्य हूँ, पुराने व्यवस्थान में यह ईश्वर का नाम है। ईसा अपने शिष्यों को न केवल बचाते हैं बल्कि समुद्र पार करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इस तरह उन्हें समुद्र में डूबने से बचाकर यीशु ने अपने आप को सत्य प्रमाणित करता है। अतः प्रभु यीशु ही सच्चे ईश्वर हैं और सच्चे ईश्वर की आराधना करना सच्चे भक्त का कर्तव्य है। यदि हम सच्चे मन और हृदय से प्रभु की उपासना करेंगे तो हमारे जीवन में जो डर एवं भय सताती है प्रभु उनसे छुटकारा दिलाने में सामर्थ्य रखते हैं। वे हमें हर प्रकार के खतरों एवं विपत्तियों से छुटकारा देते हैं। बस हमें प्रभु की शक्ति एवं सामर्थ्य पर विश्वास करने की जरूरत है। प्यारे भाइयों बहनों, आज संपूर्ण विश्व कोरोना संक्रमण से जूझ रही है। संपूर्ण मानव जाति इस संक्रमण से भयभीत है और होना भी चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि हमें इस संक्रमण से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं यही कहूँगा कि इस संक्रमण से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का पालन करें। मास्क, सैनिटाइजर तथा 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। इस आदेश को मनुष्यों का नहीं बल्कि ईश्वर का आदेश समझकर पालन करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर जरूर हमें इस संक्रमण से दूर रखेंगे। धन्यवाद। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।